नमस्कार, मैं श्रीमती छायाचार्य जी आप सबका अपने चैनल में हार्दिक अभिनंदन करते हुए सर्वप्रथम मकर संक्रांति की शुभकामनाएं देती हूँ। आप सब मेरे वर्चुअल परिवार हैं, मेरे परिवार के सदस्य हैं। आप सभी से ही तो इस परिवार का, इस पर्व का महत्व है। हम सभी जानते हैं मकर संक्रांति के महत्व को। आज सूर्य देवता मकर राशि में प्रवेश करते हैं, अतः भारत के विभिन्न प्रांतों में इस पर्व को विभिन्न रूपों एवं नामों से मनाया जाता है। जैसे पंजाब में लोहड़ी, दक्षिण भारत में पोंगल, उत्तर भारत में खिचड़ी और वेस्ट बंगाल में पीठे संक्रांति के नाम से जाना जाता है। लेकिन देखिए, विभिन्न प्रांतों के लोग इस पर्व को अलग अलग रूपों में मनाते हुए भी इनके बीच में एक जगह कहीं ना कहीं मूल रूप अवश्य रूप से विद्यमान है। जैसे तिल और गुड़ का महत्व, हम सभी जानते हैं ये हार्वेस्ट फेस्टिवल है। नया गुड़ आता है, अनाज आते हैं, जहाँ लोहड़ी में इन अनाजों को अग्नि में प्रज्वलित किया जाता है, दिया जाता है, आहुति दी जाती है। वहीं वेस्ट बंगाल में या उत्तर भारत में तिल और गुड़ से विभिन्न प्रकार के व्यंजन बनाकर ईश्वर को भोग में लगाया जाता है। आज मैं बताऊंगी कि मैंने किस तरह से अपनी संक्रांति पर्व को मनाने का प्रयास किया है। एक छोटा सा प्रयास है, आशा है आप सबको निश्चित रूप से पसंद आएगा। और प्लीज़ कमेंट में ज़रूर लिखिए। जैसा कि हम सभी जानते हैं आज सूर्य की पूजा होती है, अतः स्नान आदि के बाद सर्वप्रथम मैं सूर्य को, मैं और मेरे सभी परिवार के सदस्य जल चढ़ाएंगे तथा साथ में भगवान को भोग के लिए, ये देखिए तिल चिक्की मैंने बनाई है जिसका लिंक ऊपर दिया जा चुका है। मूंगफली और गुड़ से चिक्की बनाई गई है, इसका भी लिंक ऊपर दिया जा चुका है। जिन्होंने नहीं देखा है वे दोस्त निश्चित रूप से देखिए। मैं बंगाली हूँ, बंगाली खाना तो बनता ही है। देखिए रंगा आलू और गुड़ से मैंने पीछे बनाया है, इसका भी लिंक ऊपर दिया जा चुका है। साथ में चालेर पायेश, इसका भी लिंक ऊपर दिया जा चुका है। इन दोनों का कम्बिनेशन तो निश्चित रूप से बनता ही है। साथ में और भी कई प्रकार के पीठे बनते हैं जो मैं समय के अभाव से नहीं बना पाई हूँ। ईश्वर को भोग लगाने के पश्चात आज हम अपने दिन का प्रारंभ इन्हीं चीज़ों से करेंगे। सर्वप्रथम तिल को ही खाया जाता है। आपने तो सुना ही होगा महाराष्ट्र में लोग कहते हैं तिल गुड़ खाओ और गुड़ गुड़ बोलो। मकर संक्रांति के उपलक्ष्य में मैंने एक सिंपल साधारण सा लंच तैयार किया है। ये देखिए उड़द के दाल की खिचड़ी, दिस इज मस्ट, ये ज़रूर बनता है, इसीलिए तो खिचड़ी संक्रांति भी कहा जाता है। ये मैंने खिचड़ी तैयार की है, ये बहुत ही स्वादिष्ट होती है। साथ में आलू, बंद गोभी और मटर, हरे मटर से एक सब्जी बनाई गई है, ये भी बहुत स्वादिष्ट होती है। एक भाजा तो अनिवार्य है खाने के साथ, ये देखिए मैंने आलू भाजा बनाया है। और इसके साथ आप चाहें तो बहुत सी चीज़ें बना सकते हैं, लेकिन खिचड़ी के चार अंग जो हैं अचार, पापड़, दही और भाजा, वो तो बनता ही बनता है। अचार रख लेंगे, दही भी रख लेंगे साथ में, पापड़ तल लिया जा सकता है। और शाम का समय विजिटिंग का शुरू होता है, लोग हमारे घर मिलने आते हैं और हम लोग भी जाते हैं, पीछे से एक दूसरे का स्वागत करते हैं। और इसी के साथ दोस्तों मैं ये बोल समाप्त करती हूँ। आशा करती हूँ आपको निश्चित रूप से अच्छा लगा होगा। आप कमेंट्स में लिखिए और बताइए कि आपने अपनी संक्रांति किस प्रकार मनाई है। तो अंत करते हैं यहीं, धन्यवाद।